बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फर्स्ट ईयर फिज़िक्स का 12th लेक्चर हमारे पास है, चैप्टर 2 का रिजल्टेंट वेक्टर। तो रिजल्टेंट वेक्टर हमारे पास क्या होता है, जिसका पहले भी थोड़ा सा हम डिस्कस कर चुके हैं। द सम ऑफ टू और मोर वेक्टर्स इज अ सिंगल वेक्टर विच हैज़ द सेम इफेक्ट एज द कम्बाइंड इफेक्ट ऑफ ऑल द वेक्टर्स टू बी एडेड इज कॉल्ड रिजल्टेंट वेक्टर। For example, the sum of a vector a, b, c is given by the resultant vector. अब इसका बता रहा है कि हमारे पास कोई भी the sum of two or more vectors, अगर दो वेक्टर हों या इससे ज़्यादा वेक्टर हों, कि जैसे ये देखो हमारे पास एक वेक्टर a है, दूसरा b है, तीसरा c है, इनके इसको तीनों वेक्टरों को एक सिंगल वेक्टर की फॉर्म में यहाँ पे मिला दिए, जिसको कहते हैं रिजल्टेंट वेक्टर r। कि ये तीनों के इक्वल होता है, तीनों को ऐड करने से हमारे पास ये रिजल्टेंट वेक्टर बनता है। जैसे ये देखो आर किसके इक्वल है, ए प्लस बी प्लस सी। जैसे ये देखो अगर हमारे पास एक वेक्टर ए है, दूसरा हमारे पास क्या है बी है, तो इनको एक सिंगल वेक्टर में लिख दें कि इनके इक्वल लिख दें ये वाली लाइन, तो ये क्या होगा रिजल्टेंट वेक्टर आर। तो ये किसके इक्वल होगा, आर इज इक्वल टू ए प्लस बी, इसके इक्वल होगा। यानी अगर ये वाला इसकी लेंथ 2 है, इसकी 2 है, तो रिजल्टेंट वेक्टर आर हमारे पास क्या होगा 4 होगा। इसको कहते हैं हम रिजल्टेंट वेक्टर आर। इसके बाद हमारे पास है जीरो वेक्टर या नल वेक्टर। तो हमारे पास जीरो वेक्टर या नल वेक्टर क्या होता है, द वेक्टर हैविंग जीरो मैग्नीट्यूड इज कॉल्ड नल वैक्टर आर ए जीरो वैक्टर। इट इज नोटेड बाई ओ। फॉर एग्जाम्पल द सम ऑफ वैक्टर एंड इट इज नेगेटिव इज कॉल्ड नल वैक्टर। कि हमारे पास एक वैक्टर हो, दूसरा उसका नेगेटिव वैक्टर हो, तो उसको हम क्या कहते हैं जीरो वैक्टर या नल वैक्टर। जैसे ये हमारे पास वैक्टर ए है, इसका नेगेटिव वैक्टर हमारे पास क्या है माइनस ए, तो ये प्लस माइनस माइनस दोनों को हम कट देते हैं तो हमारे पास क्या आ जाता है ज़ीरो। जैसे ये देखो हमने पढ़ा हुआ है मैथ में, अगर हमारे पास टू है और इसका नेगेटिव हमारे पास आइए तो ये क्या होगा माइनस टू इज इक्वल टू क्या होगा ज़ीरो। इसी तरह अगर हमारे पास एक वेक्टर बी है, एक वेक्टर बी है, दूसरा उसी का नेगेटिव आइए माइनस बी, तो हमारे पास क्या आएगा ज़ीरो वेक्टर आइएगा ये वाला। तो इसको कहते हैं ज़ीरो वेक्टर या नल वेक्टर। कि एक वेक्टर हो, दूसरा उसी का ही नेगेटिव हो, ये नहीं है कि एक हमारे पास ए है और दूसरा माइनस बी आए, तो माइनस बी आइए तो ये हमारे पास इसको नेगेटिव ज़ीरो वेक्टर या नल वेक्टर नहीं कह सकते। कि अगर वेक्टर ए को दूसरा उसी का ही नेगेटिव वेक्टर हो तो उसको हम बोल देते हैं ज़ीरो वेक्टर आर नल वेक्टर। ओके अल्लाह हाफिज़।